हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, फिल्म की बातें तो होती रहती हैं। आज की वीडियो में हम आपसे करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास की बात। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान में फिल्म हो या ड्रामा, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट की जान उसके डायलॉग्स और स्टोरी होती है, और इन डायलॉग्स और स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे राइटर्स मौजूद हैं जिन्हें अप्रोच किया जाता है और उन्हें इस चीज़ के लिए खासा मुआवजा भी दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कमाल के राइटर्स में से एक राइटर की। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल के राइटर खलीलुर रहमान कमर की। व्यूअर्स, इन ड्रामास के साथ साथ उन्होंने कई हिट फिल्म्स भी लिखी हैं, और आज की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे 2023 और 24 में आने वाली खलीलुर रहमान कमर की मेगा हिट फिल्म्स। तो बिना वक्त जाया किए चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। लोफर। व्यूअर्स, फिल्म लोफर खलीलुर रहमान कमर की आने वाली पहली फिल्म होगी जिसकी लीड कास्ट में है फवाद खान और माया अली। व्यूअर्स, इस फिल्म की स्टोरी खलीलुर रहमान कमर के पुराने ड्रामे मेरा नाम यूसुफ है की स्टोरी और कैरेक्टर से मिलते जुलते होंगे। व्यूअर्स, फिलहाल सिर्फ इस फिल्म की टाइटल अनाउंसमेंट की गई है और रिलीज डेट के हवाले से कोई भी खबर सामने नहीं आई। दी जेंटलमैन। व्यूअर्स, इस फिल्म को भी लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने जिसके लीड में होने वाले हैं शहरयार मुनव्वर, माहिरा खान और जाहिद अहमद। व्यूअर्स, ये फिल्म एक रोम कॉम होगी लेकिन ये लंदन नहीं जाऊंगा की तरह एक मैसेज बेस्ड स्टोरी होगी। इस फिल्म का शूट स्टार्ट कर दिया गया है और ये हमें 2023 के एंड तक सिनेमाज में देखने को मिलेगी। फिल्म काफ कंगना। व्यूअर्स, इस फिल्म की लीड कास्ट हैं समी खान, इशाल फयाज, आयशा उमर और आबी खान, जिसका शूट 2019 में कंप्लीट हो चुका था और कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि ये फिल्म रवां बरस या फिर आइंदा बरस सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी। आज रंग है। व्यूअर्स, ये फिल्म हुमायूं सईद की 2023 में पहली या दूसरी फिल्म होगी जिसमें उनके साथ होंगी माहिरा खान। व्यूअर्स, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नदीम बेग, जबकि स्टोरी नदीम बेग और डायलॉग्स और लिरिक्स खलीलुर रहमान कमर ने दिए हैं। दोस्तों, ये एक इंटेंस लव स्टोरी होने वाली है जिसे 2023 की ईद उल अज़हा पर रिलीज किया जाएगा। वेगस नहीं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का ही एक सीक्वल होने वाली है जिसमें उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा और नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, इस फिल्म में अदनान सिद्दीकी भी देखने को मिलेंगे जिनके कैरेक्टर के बारे में अभी कोई भी मालूमात नहीं दी गई, लेकिन इस फिल्म को भी 2024 में रिलीज किया जाएगा। व्यूअर्स, नंबर वन पर है के आर क्यू। दोस्तों, ये फिल्म खलीलुर रहमान कमर की बायोग्राफी होने वाली है जो कि एक शॉर्ट फिल्म होगी और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं शुएब मंसूर। व्यूअर्स, ये फिल्म खलीलुर रहमान की पर्सनालिटी और उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ के इर्द गिर्द घूमेगी जिसमें 1962 से लेकर 2023 तक का खलीलुर रहमान कमर दिखाया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर भी लाजमी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। खुदा हाफिज़।